चलो भोजन तैयार है। तुम लोग खा लो। मेरा उपवास है आज। आई, तुम इतने उपवास क्यों करती हो? मामी, मंडाले से दादा का खत आया है। लिखते हैं, मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा जीवन कितना कष्टमय है। यह हम सबकी परीक्षा का समय है। धैर्य और विश्वास से काम लिया तो 6 साल कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहां भी वासुदेव मेरा ध्यान रखते रखते स्वयं बीमार पड़ गया। मैंने जब खुद भोजन बनाया तो यह लगा कि इतने वर्षों से तुम मेरे लिए कितने कष्ट सह रही हो। वासु, महाराज, बुखार तो पहले से कम है, अब कैसा लग रहा है वासु? चलो कुछ खा लो। महाराज, ये क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे तो आपकी सेवा के लिए यहां रखा गया है और मैं तो आपको ही कष्ट दे रहा हूं। नहीं, नहीं महाराज, आप ये सब मत कीजिए, मत कीजिए महाराज। वासु, हम दोनों के बीच पहला रिश्ता इंसानियत का है, दूसरा एक साथी का, और सबसे बाद में वह रिश्ता है जो सरकार ने तुम पर थोपा है। अगर मैं अपने पहले दोनों रिश्तों का कर्तव्य निभा ना सका तो मुझे कोई अधिकार नहीं तुम्हारी सेवा स्वीकार करने का। कुछ खा लो। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। हो गई आपकी जांच? जी हाँ। अब कैसी तबीयत है तिलक जी की? उतनी अच्छी नहीं है, पर दिखते तो वो काफी तंदुरुस्त हैं। जी हाँ, जरूर जवानी में कसरत करते होंगे, इसीलिए उनका शरीर काफी सुदृढ़ दिखता है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि मधुमेह की बीमारी उन्हें अंदर से खाए जा रही है? हाँ, काफी तकलीफ होती होगी उन्हें। परहेज तो उन्होंने पहले से ही अपने आप करना शुरू किया है, सत्तू के सिवाय कुछ खाते ही नहीं है। कुछ दवाइयां लिख देता हूं, उतनी मंगवा दीजिए। तिलक जी का खत आया है। अच्छा, तिलक जी लिखते हैं, आप लोगों को लगता होगा वर्तमान राजनीतिक स्थिति में थोड़ा ठहराव आया तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता 6 साल के पहले मुझे छोड़ा जाएगा। पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, ऐसा लगता है एक युग निकल गया है। तिलक जी ने मधुमेह के बारे में कुछ? तिलक जी लिखते हैं, मधुमेह का कष्ट रह रहकर हो ही जाता है, दवाओं का कुछ असर नहीं। अब मैंने चावल रोटी सब छोड़कर केवल सत्तू खाना प्रारंभ किया है, उससे कुछ लाभ है, पर यहाँ की गर्मी असहनीय है। जेल की कोठरी गर्मी के समय भट्टी जैसी गर्म हो जाती है, परंतु जिस लक्ष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं
उसमें सजा पाना हमारी मजबूरी नहीं, अधिकार है। हैं, हमारे और बुरे समय के बीच में एक टक्कर है, एक जीतेगा एक हारेगा। अगर हमने जीतने का निश्चय कर लिया तो हम ही विजयी होंगे। आई, दादा को आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। राम, धोंडोपन जी को कहना दादा को लिखे मेरी चिंता ना करना, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। न जाने वो कैदी मुझे कैसा भोजन खिलाता होगा। महाराज को क्या खिलाऊंगा? क्या हुआ वासु, आटे में पानी ज्यादा पड़ गया? देखो इसमें रख दो, लाओ। सारा पानी निकला है। ये किताबें तिलक जी को दे दो। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो वासु। आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। वासु, मनुष्य के मस्तिष्क में ब्रह्मा की सृष्टि की सारी ऊहापोह चलती रहती है। दुनिया में जो भी होता है तो उसके बारे में सोचकर समय के अनुसार कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। राज, आपको आपके घर की, आपके परिवार की याद नहीं आती? अब तो ये जेल ही मेरा घर है वासु। यहाँ के लोग, तुम, मेरा परिवार। महाराज, मेरी पुस्तकें। महाराज, इतनी सारी किताबों का आप क्या करोगे? वासु,
यह जेल मेरी पाठशाला है, ये पुस्तकें मेरे शिक्षक, और तुम सहपाठी। मैं यहां फ्रेंच, जर्मन और पाली भाषाएं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से छूटने के बाद मैं जर्मनी जाऊंगा। तुम चलोगे मेरे साथ वासु जर्मनी, वहां मेरा खाना बनाने? क्या हुआ महाराज? वही, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य पुनः खराब हो गया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, तुम भी अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न हो। यह मैंने भगवत गीता की व्याख्या करने के लिए एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है। महाराज, महाराज एक बात पूछो। पूछो वसु। आप हर वक्त क्या लिखते रहते हैं? भगवत गीता के विषय में एक पुस्तक लिख रहा हूं। भगवद गीता तो इतना बड़ा ग्रंथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है वासु। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इसके बारे में विभिन्न मत है। वासु, हमारे देश में कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितनी विचारधाराएं हैं। हर संप्रदाय के प्रचारक अपने संप्रदाय और विश्वास के अनुकूल गीता का अर्थ बताते हैं। मेरी वर्षों से यह इच्छा थी कि धर्म और संप्रदाय के संकुचित दृष्टिकोण से परे हटकर मैं यह सुनिश्चित करूं कि गीता के उपदेश में श्री कृष्ण का क्या दृष्टिकोण था। और इसके लिए आवश्यक है कि मैं स्वयं को अपनी धार्मिक विचारधाराओं से अलग रखकर इसे लिखूं। तो महाराज, आप ऐसा लिखना चाहते हैं जो सबको स्वीकार हो? सब इसे स्वीकार करें यह जरूरी नहीं, पर आज की स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने वालों के लिए यह अवश्य उपयोगी होगा। मंडाले में अपने बच्चों से दूर रहकर भी उनकी ओर तिलक जी का ध्यान रहता था, और एक कर्तव्य दक्ष पिता की जिम्मेदारी वे हमेशा निभाते रहे। अपनी अनुपस्थिति में उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, उनका ध्यान कहीं और न भटके, इसकी सूचनाएं वे अपने पत्रों में बराबर देते रहते। लिखते हैं, 4 वर्ष तो निकल गए, देखते ही देखते 2 वर्ष और निकल जाएंगे। राम और बापू के लिए गणित का शिक्षक रखना चाहिए। इस उम्र में उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते होंगे। उन्हें समझाना कि अध्ययन में पूर्ण ध्यान लगाया तो अन्य लालसाओं से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, पर उनका सामना करना पड़ता है। परेशानियों से भागने से वो हल नहीं हो जाती। अर्जुन के सामने यही प्रश्न था कि वो युद्ध लड़े या संन्यास ग्रहण कर ले। ज्ञानी पुरुष के लिए दोनों ही मार्ग उचित हैं, पर अर्जुन की दुविधा यह थी कि वो इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग चुने
तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, कर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। महाराज, मनुष्य तो मोक्ष प्राप्ति के पश्चात ही कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह एक भ्रांति है वासु। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को निष्काम भाव से सर्व सामान्य के लिए काम करते रहना चाहिए। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, क्या वे ज्ञानी नहीं? दुष्टों का नाश करना क्या निष्काम कर्म नहीं? ठीक उसी अनुसार मनुष्य चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, सदैव कर्म करते रहना ही उसका कर्तव्य है। और अगर अपने ज्ञान का उपयोग सर्व सामान्य की भलाई के लिए न किया तो ऐसा ज्ञान अर्थहीन है। पर महाराज, ज्ञानी किसे कहते हैं? सृष्टि की परिभाषा जो अपने साथ जोड़ पाए उसे ही ज्ञानी कहते हैं। दादा लिखते हैं, इतने वर्षों से स्वतंत्रता के संघर्ष में मेरी व्यस्तता ने तुम्हें भी एक सन्यासी बना दिया है। गीता में सन्यास का बहुत ही व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ? हाँ, सन्यास का अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व छोड़ना नहीं, कर्म से सन्यास नहीं, फल से सन्यास। इस संसार की रचना मनुष्य ने तो नहीं की वासु, तो यह सोचकर कि हम में से हर किसी को परमेश्वर ने यहां पृथ्वी पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, हम सब अपनी अपनी भूमिका निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करें, यही परमेश्वर की सच्ची उपासना होगी। इसी तरह गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म का बड़ा ही सुंदरता से जोड़ बिठाया है। वो कैसे महाराज? निस्वार्थ कर्म ही भक्ति का परिचायक है और निस्वार्थ कर्म ही हमें ज्ञानी बनाता है, यही है गीता का सार। ज्ञान की इस व्याख्या को तिलक जी ने सिर्फ समझ ही नहीं लिया था, अपने में समा लिया था। बाह्य व्यवहारों का उन्होंने योग्य अवलोकन किया था और आंतरिक शक्तियों पर प्रभुत्व पाया था। इसीलिए मंडाले के प्रतिकूल वातावरण में भी वे गीता रहस्य समान लोकोत्तर ग्रंथ की निर्मिति कर सके। मोक्ष आकाश में छिपा कोई तारा या नक्षत्र नहीं जिसे सामान्य मनुष्य देख ना पाए। मोक्ष एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मनोवस्था है जो ज्ञान मोह को नष्ट करता है, वही ज्ञान निस्वार्थ कर्म के लिए प्रेरित भी करता है, और यही तर्क संगत भी है। तिलक जी आगे लिखते हैं, गीता के ऊपर ग्रंथ पूर्ण हो गया है, सजा में भी कुछ ही समय बचा है, आशा है जेल से मेरे छूटने तक तुम्हारा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा।
सर, ये खत तिलक जी के लिए है। किसका है? पूना से आया। पूना से? दो हफ्ते पहले तो धोंडपन तुमसे मिलने आए थे और फिर आज ये खत। दिखाओ। क्या हुआ सर? तिलक जी की पत्नी सत्यभामा बाई अब इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं क्या गुजरेगी उन पर। पत्नी का आखिरी दर्शन भी नहीं कर सके। एक आदमी पर इतनी सारी मुसीबतें। देखो, उन्हें एक पत्र दिखाओ और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करो। सर, आप मुझे माफ करें तो अच्छा होगा सर, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। है ये मनहूस काम मुझे ही करना होगा। साहब आप अचानक। आई एम सॉरी मिस्टर तिलक। आई एम सॉरी। सौभाग्यवती और कितनी प्रतीक्षा करती वो, कितनी प्रतीक्षा करती। यही सोच सोच कर चली गई, यही सोच सोच कर चली गई कि मुझे कुछ हो न जाए। हिंदुओं में कहते हैं ना कि पत्नी की मृत्यु पति की आंखों के सामने होनी चाहिए। इतने वर्षों तक चुपचाप मेरे साथ सब कुछ सहती रही, सब कुछ सहती रही। और मैं उसके आखिरी समय में भी उसके पास न रह सका। बड़े बड़े संकट झेले हैं मैंने, बड़े बड़े संकट झेले हैं, पर ये रह रहकर मुझे इस बात की आशंका होती थी। और हुआ भी वही। कौन टाल सकता है उन्हीं को, उन्हीं को कौन टाल सकता है। मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ,
लगता है अब दूसरा अध्याय भी चलती ही। मंडाले की 5 वर्ष लंबी रेगिस्तानी और नारकीय जिंदगी ढोने के बाद पहली बार वहां पर एक हवा का झोंका आने वाला था। दोंडोपन जी के साथ तिलक जी के 2 पुत्र राम और श्रीधर पिताजी के दर्शन करने आने वाले थे। चलिए दोंडोपन। तिलक जी, आपसे मिलने आए हैं आपके बेटे। ओ धुंडू, सब कुशल तो है? राम बापू,